राम राम सारिया ने मुँह अपने दोस्त कुमावत लेने आया एक नव ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग लेकर प्रभु का नाम जय श्री राम। तो भाई साहब आज मारी एनर्जी अतरी हाई कना हुआ थे मुँह आपने एक बात हो तो जो की कतरा दिन कह रहे हो हमारे लैपटॉप सर्विस नहीं दियो सर्विस भी हो आप गाँव में कुछ घेरू हो आप पहचान मतलब आप परिवार में नहीं से तो वो लैपटॉप रो काम ही करे बट एप्पल ने छोड़ी एप्पल रो छोड़ी बाकी सब डेल एचपी जितना भी लैपटॉप रहे नहीं वे सब लैपटॉप रो काम करे। तो उन्होंने मैं देख गाड़ी वो लैपटॉप अने अबे लैपटॉप भन्ना हट रही सारी रो जो कि मारा 8-9 व्लॉग एडिट करना हुआ मैं एक ही दिन में एडिट करके पहला वाली लैपटॉप में 16 GB रैम भी ठीक है 8-8 करी तो 16 GB रैम भी अबे वना मीने है 32 GB रैम 16 16 मतलब 32 GB रैम आप ही हमजी जाओ अबे लैपटॉप कतरो फास्ट चाली रो मतलब मैं 8-9 व्लॉग एक ही दिन में एडिट करी रेंडर करी करी काटिया अबे मैं शायद रू कतरा 1 2 3 4 चार ब्लॉग तो मैं अपलोड भी करी काटिया अबे एक ब्लॉग अपन और ही अपलोड हुआ अलग 10 बजे वो शेड्यूल पे लग गयो है अरे मुझे खुश हुआ आज हमारा लैपटॉप भी सही हुई ने और कहीं टेंशन नहीं है अबे मु ब्लॉग आना वादे स्टार्ट की दो कारण की मुझे जाइरू उदयपुर में आप छोटा जैसा ला रहे थोड़ा उदयपुर एक्सप्लोर कर रहा क्योंकि एक्सप्लोर ज्यादा की दो नहीं है उदयपुर में तो बस अबे तो कही क्यों अबे बम्बई भी जानो वो जो बम्बई ज्यादा अबे मैंने देश में वही किया 1 महीना ऊपर मतलब देश में मैंने जमे कोई नहीं देश में 15 दिन ऊपर जमे नहीं है जाना वादे देश में अबे 1 महीना ऊपर भी है मैं पापा ने क्यों अबे तो मैंने घंटा लगा लगी क्यों चालो पर बम्बई साला तो पापा क्यों 23 तारीख खुद ही सा तो तब तक मैं क्यों उदयपुर में जाऊँ एक दिन उदयपुर में रहो पास आई घटे बम्बई पर जाओ अबे मैंने जाना उदयपुर जो अबे न टैक्सी है न कार कुछ नहीं है सिर्फ अपना है रोडरेज बस जो कि रोडरेज बस यहाँ की BST बस होती है मुंबई में कैसे BST बस होती है यहाँ पर रोडरेज बस होती है तो अपन वही रोडरेज बस में बैठ के जाएंगे उदयपुर। मु तो वही फुल ऑन रेडी है अरे ठंड है मगर गर्मी रहा वजू सूरज देवता रहा वजू अतरी ठंड नहीं लागी रही है और जैकेट डिमाटर ली दो वो वन टाइम तो वही चलाई रू अब अटी सुबह रहे वटू टेम्पो जाए कांकरोली रहा वहाँ जो कांकरोली में बहन टेम्पो में बहन कांकरोली पर जावा बकाई था टेम्पो कतरी भी जावे नहीं आवे मगर टेम्पो आता जाते रहते और आज री तारीख है 19 20 कही था है देश में इन तारीख ही भूल जावा आप अपन जो आदमी बोलिए वो नहीं बैठा है हीरा वानी पाड़े भगवान दे वो मतलब स्टॉप है वटू भी बेच सकते हो मगर अरे यार ये ब्लॉक के चक्कर में गाड़ी चली गई कोई नहीं अभी दूसरी गाड़ी आ जाएगी उसमें बैठ के चले जाएंगे। देखो भाई साहब ब्लॉक रहा चक्कर में हुआ एक गाड़ी जाती रही अभी दूसरी गाड़ी आई 15-20 मिनट में जब तक आप आर्टिस्ट बैठा और तो कई आडे एक और जान आएगी है ये लोग बट अबे ब्याह रो मौको है ब्याह रो सीजन है इतना बात है घना ब्याह है तो अबे 21 तारीख ने भी ब्याह है 20 तारीख ने भी ब्याह है आज तारीख है 19 February 2024 बस बैठो हूँ अटे कोई मल जा बाइक वालों भी कांकरोली जाओ और आते तो वना पासे भेज जाओ कोई पहचान वालों अनजान आदमी आते नहीं जाओ पहचान वालों कोई मल गया तो आप जाती रहेगा बाइक पे नहीं तो टेम्पो तो आई रही से 10-15 मिनट में तो टेम्पो में जाती रहेगा बाबा ने जो टेम्पो आए वो मैंने क्यों पासो आई रहा कही क्यों हाँ आई रू ठीक है पासो आई रू तो वह मना बनी भेज आवा 20 रुपये लाग रहा है टू कांकरोली कांकरोली सालिन बस स्टॉप पे जावा बस वाला पकड़ ले बस BST बस जो है अतरी रोडरेज के हुए BST ने रोडरेज बस वाला ले 75 रुपीज़ और प्राइवेट वाला देखा प्राइवेट वाला डायरेक्ट छोड़े तो प्राइवेट वाला में जाती है वहाँ पर कहीं नहीं साहब हम आ चुके हैं बस स्टैंड पर बट क्या सीन हुआ कि वो जो था टेम्पो वाला हम लोग को टेम्पो स्टैंड पे नहीं छोड़ा टेम्पो स्टैंड में नहीं छोड़ा मगर वो पुलिस वाले उसको बोलते लाइसेंस बता दो उधर से मेरे को उतार दिया बाद में एक टेम्पो वाला था मैं उसको बोला बस स्टैंड जाएगा तो बस स्टैंड पे छोड़ दिया उसने और बस स्टैंड ये आपके सामने ही बस स्टैंड है वो जो बड़ा बोर्ड है उसके नीचे बस स्टैंड है तो और तो कुछ नहीं बस में जाते हैं बैठते उदयपुर पहुँचते जीजू को भी फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ खाना बना के रखना सॉरी पिंकी को भी बोल दिया पिंकी मेरी बहन को भी बोल दिया खाना बना के रखना बाकी तो कुछ नहीं चल रहा है अब पुलिस वाले लोग है ना विदाउट हेलमेट नहीं पकड़ रहे मगर
अगर जो गुंडा दिखता है ना उसको ही पकड़ रहे, और जो लीडर गुंडा नहीं दिखता है उसको नहीं पकड़ रहे। क्या मालूम क्या कैसा कर रहे हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मुंबई में ऐसा होता ना कि विदाउट हेलमेट कोई भी हो, गुंडा दिखता हो शरीफ दिखता हो, पकड़ लेते। यहाँ पर तो शरीफ लोग जो विदाउट हेलमेट है उसको पकड़ रही नहीं है। चलो अभी जाते हैं अपन, बस देखते हैं बस आई कि नहीं, तो बस में बैठ के अपन तो पिक्चर वीडियो जो देखना है देखेंगे। अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ उदयपुर में। भाई साहब ये उदयपुर की बस है, मगर इसमें जा रहा नहीं हूँ क्योंकि बहुत गर्दी है, बहुत गर्दी, मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं है। तो इसके लिए मैं बोला, वो बोल रहा है कि 5 मिनट में फिर से उदयपुर की बस आ रही है, जैसे BST आती है ना टाइम टू टाइम, 5 मिनट में BST की बस आ रही है, सॉरी रोड रेज की बस आ रही है, तो उसमें अपन चढ़ जाएंगे। ये इतने गर्दी में तो कौन जाएगा भाई साहब, मैं तो थक गया। और मेरे साथ ये आदमी, और ये आदमी भी चढ़े थे तो वो बोलते कि नेक्स्ट बस में ही चढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत गर्दी है। हाई रे तावड़ो गुणो पड़ी रो यार। तब हूँ मारवाड़ी में के कही था, मारवाड़ी में कभी कभी मारवाड़ी में बात करूँ, कभी कभी हिंदी में बात करूँ, कभी कभी इंग्लिश में बात करूँ। लो भाई साहब आपा तो पहुंची गया उदयपुर। उदयपुर आप आ रहे हैं छोटा जैसा, बस में अतरी दिक्कत आई नहीं मने, मतलब नाथवारा तक तो मने पेवारे नहीं मिलियो, नाथवारे में बैठो बाजू में एक सीट खाली भी, पास एक सोरो होनी मम्मी के, अरे नहीं उल्टी आवे जाए बाजू में, बेवा दो बेवा दो। मुझे नाथवारा में एक चाय ली थी, वह चाय नहीं खून ही लागी खेल सो मारो पूरा, देखो देखो पूरी चाय ढली गई है, देख पैंट वेंट पे एक घुट भी दी हुई मैंने फसा। मैं क्यों आता यार यार कनो सो रहा है, बना बाप मने के उन्हें पापा मने के कि तू कहीं VIP है कि बस में बैठ साथ ही, आप चाय तो पी सकते हैं ना बैठ में। मैं बोला कंडक्टर को बुलाओ सारा, थोड़ा उधर बहसबाजी हो गया, अभी कुछ नहीं है, अभी मेरे को ना वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है ये इधर से, क्योंकि मेरा फेवरेट है वड़ा पाव, मगर ये बोल रहे हैं कि घर पे खाना, एक एक वड़ा पाव आधा आधा खेला मेरे तो नहीं खाना, मेरे तो नहीं खाना खाना खाई लाओ, आराम कटे कटे जानो आज देखा देखा आज पहले खाना खाएंगे, बाद में अपन डिसाइड करेंगे किधर किधर जाना है। सबसे पहला तो मैंने पसा क्यों लो भाई साहब, वहाँ पर रोडी जमीन भी बेगी है ना, बैर नीरज जी गया हेलमेट रवाते, हेलमेट लेवर रवाते, और यहाँ पर एकड़े घूमना है वे बताई मने तो बैठा नहीं, मगर मैं क्यों पहले सबर पहला गंगोर घाट साला, कारण की गंगोर घाट मैंने ठा है कड़े है कई है नहीं है, तो गंगोर घाट पहला आपस आला उन्हें कहे जटे भी छोटा जैसा ले जाए गोटे साला। तो भाई साहब आप आई गया गंगोर घाट पे, ये अभी भी बनाया है पूरा, ये जब ये अभी अभी बनाया, ये मैं वो पहला आया हुआ सन टाइम तो नहीं हुआ उतरो, मगर वो कैसा मंदिर है, रिद्धि सिद्धि हनुमान मंदिर, रिद्धि सिद्धि हनुमान मंदिर ये है, रिद्धि सिद्धि हनुमान मंदिर जो कि ओ मत सुने दी दो यार। पहले सब जना वो वटू साइड मूवी नहीं अटे बैठता पूरा अटे तक बैठता, ओ यहाँ पर गंगोर घाट जय श्री राम। मस्त मस्त बने गाड़ी हाँ, अटे उबा उबा देखो अभी तावड़े, अभी अटे बेवा तो तावड़े नहीं आए, तो पानी तो कम है यार ना, मैंने जैसे था वो अतरे जैसे था, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर दिख रहा है, मगर अंदर वो मीने का ही जमी की जो ना आते आप मीन नहीं है सही सका, नहीं तो सही सका मीने आराम मस्त होना है, तभी होना है नहीं नहीं आया उसका क्या यहाँ पर हमें हो गई हमें वो बस में किसी की जानकारी नहीं है, मगर बहुत प्यारा लग रहा है ये गंगोर घाट। बस अभी इधर 5-10 मिनट बैठेंगे फिर यहाँ से करें वो कटे कैसे मंदिर कह रहा महादेव जी का, तो कल गया था ना मैं कपिलेश्वर जी, वो तो दूर है, कितना दूर है वो तो, उधर गोगुंदा जाना पड़ेगा, कितना दूर 20-25 किलोमीटर जाते हैं ना, चले चलेंगे वो चले चलेंगे आज चले चलेंगे, हाँ चले जाएंगे ना चले जाएंगे। चलो इधर 5-10 मिनट बैठ जाते हैं अपन, थोड़ा रिलैक्स करते फिर अपन जाएंगे कड़े गंगेश्वर कुंडेश्वर जी। चलो भाई साहब गंगोर घाट तो देखी गाड़ियों है, अबे जरे चासा ले रहा है वो कई नाम पासो भूली क्यों, मतलब अटू 20-25 किलोमीटर दूर है दादा, नहीं 20-25 किलोमीटर देश में 20-25 किलोमीटर वो वैसा, अगर देशरी अगर बम्बोरी वाद वे दी 20 किलोमीटर वे तो 20 किलोमीटर करवा रहा वाते आपने लागता कम रू कम लागता 1.5-2 घंटा, मगर टाइम कितना लगेगा,
आधा घंटा, आधा घंटा 45 मिनट्स में हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो पहुँच जाएंगे। भले ही वो 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, यहाँ के गांव के रोड बहुत बढ़िया है। भाई साहब आपा रुक गया है हाईवे बस में, वो हटे पेट्रोल पंप है जो पहली पेट्रोल पंप पे गया, वो पेट्रोल पंप चालू नहीं हो अबे, मतलब वो पेट्रोल पंप रो अनी पेट्रोल पंप तक, अनी पेट्रोल पंप तक कदा 10-11 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर तक मतलब डिस्टेंस हो, अने 10-15 किलोमीटर बस में मतलब कई कसो पेट्रोल पंप नहीं मिली, तो कसो भी नहीं जना वाद जहाँ से गया पेट्रोल भरा वाद है, पेट्रोल भरी गाड़ियों आप निकला हटू, बहुत लेट हो गया नहीं तो आवा टाइम लेट हो जाएगी। ऐसा बाबा तो पहुँच ही गया कड़क कुंडेश्वर महादेव जी ने, कुंडेश्वर महादेव जी ने पहुँच गया है, वोटे मंदिरों काम चाली रो अटे मीने मंदिरों काम भी चाली रो, जहाँ पर धोख लागी थोड़ा 5-10 मिनट बैठी बस रवाना वहाँ। अबे वो मीने तो नहीं बताई सब कहा कि महादेव जी रो मंदिर है जना वहाँ थे अटे सोते जो वो मंदिर है बस। अबे आप देखा बस हम वहाँ पर मल्लू, तो भाई साहब मैं अपने पूछे हो वीडियो निकाल सका कि नहीं निकाल सका, तो वीडियो निकाली सके तो मैं आपने महादेव जी को भी दर्शन दे दूँ। यहाँ पर महादेव जी मीने बैठा, महादेव जी नंदी का आटे बैठी है, आनंद वे क्यों मन आनंद वे क्यों, वहाँ पर महादेव जी को मन मन आनंद वे क्यों। अभी 5-10 मिनट बहाने पे हुआ बस अपने निकल रहा वहाँ पर घर रहा बात है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पड़ी हो, महादेव जी तो हटे है, महादेव जी तो छोटो सो कुंड है, वो कुंड कड़े है थोड़ा इधर है, तो वो मुँह आपने बताओ ये है क्या आगे, ये तो गणपति बापा यहाँ पर है, गणपति बापा मोरिया जंगलों के बीच में। वे क्या कर रहा, अच्छा खाना बना रहे, तो भाई साहब वो है कुंड महादेव जीरो, मतलब नीचे से हापड़ी भी सका नहीं, ये अंदर जाके स्नान भी कर सकते हैं, नीचे से हापड़ी भी सका, और बहुत साफ पानी है ये पूरा, मतलब क्लियर दिख रहा है नीचे क्या है नहीं है। तो अनि कुंड ने कुंड लेन वे महादेव जी लेन अनु मंदिर का नाम पड़ियो है कुंडेश्वर महादेव जी मंदिर, समझी बराबर क्यों नहीं सही बात, यो कुंड अनु महादेव जी ने मले कुंडेश्वर महादेव जी मंदिर मंदिर का नाम पड़ियो है। आप तो हापड़ो नहीं है काकी सड़ी बनिया तो ले आए कोई नहीं, नहीं तो बनो हापड़ी देता महादेव जी राटे, मगर पग जरूर धो आप चलो। हर हर महादेव, मतलब यहाँ पे आके एक अलग ही मतलब सुकून पॉजिटिव वाइब, जो भी आप बोलो इम्पोर्टेंट हो पॉजिटिव में, नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, सुकून मिल जाती है, मन को शांति मिल जाती है, दिमाग काम करना बंद कर जाता है, बस शांति, बस शांति।
तो भाई साहब आप महादेव जी का दर्शन भी वे गया, कुंड देवता जो कुंड देवता है कुंड देवता रे भी दर्शन वे गया, आप पग धोई गाड़ी आए बनू अबे बस अटे 10 मिनट बैठो हो जो अतरो हो मन रे शांति रहेगी नहीं कही बताओ आपने। अबे मु गाड़ी चलाऊ अभी ब्लॉग नहीं करू तो आप आते तो 1 सेकंड ही से की कर। अरे यार मु तो अबे देख अबे और 10-15 मिनट रो गेलो है ना वाते मु अबे जासा ने देरू गाड़ी अबे मारू गाड़ी साले की एक्टिवा है गाड़ी बाइक रहती तो आप फटाफट कटे भी पोसी जाओ मगर एक्टिवा आप थोड़ी जमे नहीं है बिना वाते भाई साहब आई जाओ आप ड्राइविंग सीट पे आई रे। तो अबे जासा गाड़ी चलाई और सब रो पहला आप जावा आर के सर्कल चाट खावर वाते वो पालक रो जो चाट है ऐसी एक चम्मच खा दो वो वन टाइम में कहीं टेस्टी लागे नहीं अबे वो खावर मन कर रो मैंने तो पहला आप दे रहा आर के सर्कल चाट खावर वाते कैसो अरोड़ा चाट दुकान का नाम है अरोड़ा चाट। हेलो भाई साहब आप मातेश्वरी वड़ा पाव रो अटू दो वड़ा पाव खाता टेस्ट मुंबई रा मुकाबले टेस्ट क्यों नहीं आपने 65% टेस्ट वो मुंबई रो अने 35% वो अटर उदयपुर रो और आप कभी भी आओ उदयपुर तो आर के सर्कल पे अगोड़ा चाट वालों है पालक चाट जरूर ट्राई कर दो। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं दूसरा भी खाऊं मगर नहीं वड़ा पाव भी खाना था वो भी खाना था इसके लिए तो बस अभी हम जाते घर पे थोड़ा आधा एक घंटा आराम करेंगे फिर घर के लिए निकलेंगे मतलब मेरी बहन का घर के लिए। तो अगर टाइम वेरो है हाड़ा पास वजीरी मो एक घंटा वाते लुढ़क गए हो मतलब बेहोश हुई गए हो अतरी नींद आई रही हुई मैंने जो हाड़ा पास वजीरी अब वो छोटा जैसा मैंने नितिन जैसा ना कोड़े ले जा रहा है नितिन जैसा तो 8:30 बजे आई काम पू तो आप तब तक दीवी रू रहा माँ और ही कहीं करा और ही तो कहीं काम है नहीं आप चलो जय सिया दीवी हंडे रहा माँ नहीं तो आप यमी योगा रेस्टोरेंट है बटे जाती रहे वहाँ नहीं तो 5-10 मिनट रहा थे बटे टाइम पास करा बस और तो कहीं नहीं है। अरे चश्मा भूल गया रे चश्मा भूल गया कुछ ना कुछ मेरे को याद था कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ मैं चश्मा भूल गया देखा मैं बोला था ना मेरे को भूलने की बीमारी है कुछ ना कुछ तो अभी चश्मा भूल गया मैं। चलो कोई नहीं अभी मैं कंटिन्यू करूँगा व्लॉग आपको कब मालूम है जब मेरे नितिन जैसा आ जाएंगे घर पे तब तब तक के लिए मैं इधर उधर घूमूंगा चश्मा पहन के घूमूंगा और तो कुछ नहीं आ जाओ बढ़ जाओ। चलो मैं मिलता हूँ नितिन जैसा जब आएंगे तब। तो भाई साहब हम आ गए अपने बड़े जीजू के साथ जीजू 8 बजे का बोले थे 8:30 बजे आए मगर काम पे तो लेट होता ही है तो जीजू अभी कौन सा स्पेशल डिश खिलाने लेके जा रहे हो? जा रहे हैं अमेरिकन चॉपसी का अमेरिकन चॉपसी में हम जा रहे हैं जो कि एक वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड अलग है क्या वही एक वर्ल्ड भी है हाँ एक वर्ल्ड भी है मतलब एक वर्ल्ड का ही अमेरिकन चॉपसी तो हम लोग वो आपका सूरज को नहीं ले रहे हो सूरज वो है ना आपका दोस्त सूरज वो तो अभी आया नहीं ऑफिस से अच्छा वो आया ही नहीं है इसके लिए तो अभी मतलब हम लोग जाते हैं थोड़ा पेट पूजा करके बाद में मेरे को इधर छोड़ के आप चले जाओगे क्या नहीं साथ में चलोगे साथ में चल रहे तो बाद में हम लोग को दूसरी जगह भी जाना है किधर लेके जाते हैं जीजू क्या मालूम अभी है हम लोग मेरे को भी नहीं मालूम पहले उधर कोई आ रहा है साथ में खाने के लिए अभी अपन तो अपन दोनों ही है हाँ फिर बाद में दूसरी जगह चलो ठीक है पहले खाना खा लेते बाद में दूसरी जगह जाएंगे तो खाना तो होता रहेगा तो अभी मतलब चलिए ये क्या बोलते इसको तो चलो ये ब्लॉग खत्म करते लेकर प्रभु का नाम जय श्री राम जय श्री राम।